Hello friends, welcome to Study Go with Veena Siddhi. For more videos, subscribe the channel and press the bell icon for latest updates. दोस्तों अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है और इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ पर क्लिक करके मुझे इजीली इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आईपीसी के बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको वो सारी वीडियो चाहिए तो मैंने अलग से आईपीसी की प्लेलिस्ट बनाई है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप वहाँ पर क्लिक करके आईपीसी की सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 77 एंड सेक्शन 78 ऑफ इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 77 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, इसमें लिखा है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, यानी कि अगर कोई जज कोई एक्ट करता है अपनी जुडिशियली पावर एक्सरसाइज करते हुए तो क्या वो ऑफेंस है, क्या उसको ऑफेंस माना जाएगा, इस चीज़ को इस सेक्शन में बताया गया है। इस सेक्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो कि बताता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज गिवन टू हिम बाय लॉ। अगर कोई जज जुडिशियली एक्ट कर रहा है अपनी उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए जो कि उसको लॉ ने दी है, जो कि उसको कानून के द्वारा प्रोवाइड की गई है, तब उसके द्वारा जो एक्ट किया जा रहा है उसको ऑफेंस नहीं कह सकते हैं। ऐसा सेक्शन 77 का पहला पार्ट बताता है। सेक्शन 77 का जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज when acting judicially in the exercise of any power which in good faith, अंतर क्या है, ऊपर good faith नहीं था, नीचे good faith लिखा हुआ है, in good faith he believes to be given to him by law, यानी कि कोई जज अगर अपनी judicially power को exercise करते हुए जो कि वो समझता है कि good faith में उसको law के द्वारा provide की गई है, अगर कोई एक्ट वो करता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ऐसा सेक्शन 77 में कहा गया है। अंडर द फर्स्ट पार्ट अ जज डज नॉट कमिट एन ऑफेंस व्हेन ही डज समथिंग इन हिज जुडिशियल कैपेसिटी व्हाइल एक्सरसाइजिंग अ पावर विच द लॉ हैज गिवन टू हिम, यानी कि फर्स्ट पार्ट में ये कहा गया है कि एक जज कोई ऑफेंस कमिट नहीं करता है अगर वो अपनी जुडिशियल कैपेसिटी को एक्सरसाइज करते हुए उस पावर का यूज करते हुए जो कि लॉ ने उसको दी है कोई एक्ट करता है, यानी कि अगर वो जुडिशियली एक्ट करता है तब उसके द्वारा ये जो जुडिशियली एक्ट किया गया है वो ऑफेंस नहीं होता है। सेकेंड पार्ट में ये कहा गया है इट इज़ नॉट एन ऑफेंस फॉर अ जज, यानी कि ये जज के लिए ऑफेंस नहीं है टू डू समथिंग इन हिज जुडिशियल कैपेसिटी, यानी कि जुडिशियल कैपेसिटी में अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में अगर वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए जो कि वो गुड फेथ में बिलीव कर रहा है, यानी कि जो गुड फेथ में वो बिलीव कर रहा है कि ये पावर उसको लॉ ने प्रोवाइड की है तो वो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सेक्शन 78 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 78 बताता है कि अगर कोई एक्ट किसी कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर के परसुएंट में या फिर उसका अनुसरण करते हुए किया जाता है तो क्या वो ऑफेंस है या नहीं, इस चीज़ को बताता है। और सेक्शन 78 सेक्शन 77 का उपसिद्धांत है और ये प्रोटेक्ट करता है उन लोगों को जो कि किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजमेंट या फिर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जल्लाद किसी को फांसी पर लटकाता है तो उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि वो जो कोर्ट का जजमेंट आया उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये सेक्शन 78 के अंदर फॉल होता है। अगर कोई जल्लाद किसी को फांसी पर लटका रहा है तो उसको सेक्शन 78 का प्रोटेक्शन है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई उस बंदे ने उसको फांसी पर लटकाया तो उसने भी तो एक मर्डर किया, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं, क्योंकि उसने कोर्ट के जजमेंट के परसुएंट में काम किया, कोर्ट के ऑर्डर के परसुएंट में उसने एक्ट कमिट किया तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। ये सेक्शन कहता है वायलेट्स अ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस रिमेन्स इन फोर्स एनीथिंग डन इन परसुएंस ऑफ द सेम और वारंटेड बाय द सेम इज नॉट एन ऑफेंस इवन इफ द कोर्ट मे नॉट हैव जुरिसडिक्शन टू पास सच जजमेंट और
order provided the person who does the act believes in good faith that the court did have such jurisdiction. अगर किसी कोर्ट ने भले ही उसके पास उस चीज को डील करने का jurisdiction नहीं था और कोई जजमेंट दिया, कोई ऑर्डर पास किया, और अगर कोई बंदा उस जजमेंट को, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके परसुएंस में कोई काम कर रहा है और ये बिलीव करते हुए गुड फेथ में कि उस कोर्ट को उस ऑर्डर का जुरिसडिक्शन था, जो ऑर्डर उसने दिया है, जो जजमेंट उसने दिया है, ये उस बंदे ने गुड फेथ में ये बिलीव किया है, तब जाकर उसने उस जजमेंट के परसुएंस में कोई काम किया है या फिर कोई एक्ट उसने उस ऑर्डर के परसुएंस में किया है, तो उसके द्वारा जो एक्ट किया जाएगा वो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ये इस सेक्शन में कहा गया है। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्शन 78। आज इस वीडियो में हमने सेक्शन 77 एंड सेक्शन 78 दोनों कवर कर लिए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।